पसंद की शादी करती है, लेकिन जिसके साथ शादी करती है वो पहले से शादीशुदा होता है। उन्होंने मुझे सेपरेट घर में रखा, तो वो हफ्ते में 2-3 दिन मुझसे मिलने आया करते थे। फिर ऐसा ऐसा उन्होंने मिलना बहुत कम कर दिया, जैसे मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। दोबारा किसी और लड़के से मुलाकात हुई, ऐसे भी अच्छा लगने लगा कि ये मेरी परेशानियाँ दूर करेंगे। फिर उन्होंने मुझसे मुलाकात का कहा तो मैंने उन्हें अपने घर बुला लिया। उसी दिन फिर हमारे दरमियान वो कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। एक मेरे शोहर आ गए, उन्होंने मुझे देख लिया ऐसी हालत में, तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी। उसके बाद उस दूसरे लड़के से भी थोड़े दिनों तक बात चलती थी, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ दिया। वो भी बस अपनी हवस पूरी करके उसने मुझे छोड़ दिया और पैसे दे दिए। इसी तरह बस कह लें, लोग अपनी हवस पूरी करने आते थे और मुझे पैसे देकर चले जाते थे। तो इसी तरह मुझे पता नहीं चला मैं कब कॉल गर्ल बन गई। इससे मेरे से जो लड़की मौजूद है, हर लड़की का शौक होता है घर बसाने का, पसंद की शादी करती है, लेकिन जिसके साथ शादी करती है वो पहले से शादीशुदा होता है। इस बात का इसको इल्म होता है और दूसरी बीवी बनकर उसकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन उसके बाद इसकी ज़िंदगी में जो जो मसाइल आए हैं वो इसी से पूछते हैं। नाम क्या है आपका? सिद्रा नाम है मेरा। सिद्रा मुझे ये बताओ, शादी पसंद से की? ये शादी अपनी पसंद से की, मेरे घर वालों को पता था। लेकिन आपके घर वाले शामिल थे आपकी शादी में? हाँ जी, मेरे घर वाले शामिल थे। और वो लड़के के? लड़के के घर वाले शामिल नहीं थे, क्योंकि वो पहले शादीशुदा थे, उनके अपने बीवी बच्चे भी थे, तो इसलिए उन्होंने अपने घर में नहीं बताया था शादी के बारे में। हमारी शादी हो गई, उन्होंने मुझे सेपरेट घर में रखा, तो वो हफ्ते में 2-3 दिन मुझसे मिलने आया करते थे। फिर ऐसा ऐसा उन्होंने मिलना बहुत कम कर दिया और मुझे खर्चा देना भी बहुत कम कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारे झगड़े बहुत होने शुरू हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। फिर इसी वजह से मैं दोबारा क्या चाहती थी, आपके साथ रहा करें। जाहिर आपको इज्जत दी है, शादी की, आपके साथ रहा करें। जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहती थी जी। वो पहले तो 2-3 दिन आया करते थे, लेकिन उन्होंने वो आना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो इसी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। बाद में फिर मेरी दोबारा किसी और लड़के से मुलाकात हुई, तो उससे बात करके मुझे अच्छा लगता था, तो मैं डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हो गई। तो उसके बाद लड़के के साथ बातचीत कैसे शुरू हो गई? कॉल वगैरह आई थी या मुलाकात हुई थी? ऐसी बाहर मुलाकात हुई थी बाजार में, तो ऐसे भी अच्छा लगने लगा कि ये मेरी परेशानियाँ दूर करेंगे, मेरा डिप्रेशन ख़त्म होना शुरू हो गया। तो ऐसे भी एक उन्होंने मुझसे मुलाकात का कहा तो मैंने उन्हें अपने घर बुला लिया। तो उसी दिन फिर हमारे दरमियान वो कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। एक मियाँ बीवी के दरमियान जो कुछ होता है, तो वो मेरी गलती थी, लेकिन उसी दिन मेरे शोहर आ गए, उन्होंने मुझे देख लिया ऐसी हालत में। उसके बाद पहले शोहर नहीं आता था, लेकिन उस दिन आ गया। हाँ जी, उस दिन आ गए। अच्छा। वो तो मैंने उनसे माफ़ियाँ मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी माफ़ी कबूल नहीं की शोहर ने। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी। उसके बाद मेरी उस दूसरे लड़के से भी थोड़े दिनों तक बात चलती थी, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ दिया और मुझे पैसे दे दिए और मुझे छोड़ के चला गया। दूसरा लड़का भी छोड़ गया? हाँ जी। वो क्यों छोड़ गया? वो भी बस अपनी हवस पूरी करके उसने मुझे छोड़ दिया और पैसे दे दिए। बस इसी तरह मुझे भी क्या कहते हैं, दूसरे लोगों से मुलाकात करती थी और वो पैसे दे के चला जाते थे। नहीं, ये शुरू ही कर दिया फिर? हाँ जी, बस जिद में आकर, गुस्से में आकर। इसी तरह बस कह लें, लोग अपनी हवस पूरी करने आते थे और मुझे पैसे देकर चले जाते थे, तो इसी तरह मुझे पता नहीं चला मैं कब कॉल गर्ल बन गई। आपके घर वाले किधर है? अगर ऐसा कोई मामला हो गया था, शोर के साथ लड़ाई झगड़े होते थे, तो घर वालों से रब्ता क्यों नहीं किया? आपके तो घर वाले शामिल थे आपकी शादी में। मैंने अपने घर वालों को इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान होंगे मेरी हालत देख के, तो इस वजह से उनसे मैंने जिक्र नहीं किया इस बात का कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ या हस्बैंड घर नहीं आते, तो इसी वजह से मैं फिर इस काम में पड़ गई। अब घर वालों को पता कि आप जो कर रही हैं? जी, मेरे घर वालों को पता चल गया और वो मतलब मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब कैसे ज़िंदगी गुजार रही हो? खर्चात वगैरह इस काम से पूरे कर रही हो? जी बिल्कुल, ज़िंदगी तो गुजारनी है। अब इंसान से एक बार गलती होती है, लेकिन अब मुझे इस काम की आदत पड़ चुकी है। आदत पड़ चुकी है, छोड़ नहीं सकती हो? अभी तो आप छोटी हो, अभी तो आपकी उम्र भी इतनी नहीं है।
लेकिन जब तक इंसान को जीने का ठीक से हवाला नहीं मिलता तो तब तक वो किसी ना किसी तरह तो जिंदगी गुजारता है ना। घर खराब हो गया, दूसरी बार फिर आप किसी लड़के के जाल में फंसी, अब तीसरी दफा फिर हिम्मत है किसी पर यकीन करने की? नहीं, किसी पे यकीन करने की तो हिम्मत नहीं है, बस इसी तरह अपनी रोजी रोटी चला रही हूँ। वो लड़का आपको क्यों छोड़कर चला गया, शोहर के डर से या किसी और वजह से, या सिर्फ बस खेल नहीं आया? बस वो भी हवस का शिकार करने आया था और मैंने उसी लड़के को अपने शोहर के साथ बाहर देखा था, तो मैंने उनका पीछा किया। आपकी दोस्ती हुई थी? हाँ जी। अच्छा, उसको मैंने अपने हस्बैंड के साथ बाहर देखा था, मैंने उनका पीछा किया, तो मैंने जब पूछा तो मुझे पता चला कि वो उन्हीं के बचपन का दोस्त था। वो उसी तरह प्लान बनाते थे, लड़की को हवस का शिकार बनाते थे और छोड़ देते थे। तो इसी वजह से मैं आज इस रास्ते पर। मतलब कि ये सारा कुछ किया गया आपके शोहर का था? हाँ जी। उस लड़के को आपके घर तक लाना और वो सब कुछ होना, वो अलग बात है कि आप कमज़ोर हुई, आपने उसकी बातों में आ गई आप, लेकिन ये बिछाया हुआ जाल आपके शोहर का था? बिल्कुल, उन्हीं की वजह से था। अब ज़िंदगी की ऐसी गुजरी किसी तरह आपकी? लेकिन जब तक ज़िंदगी का सहारा कोई और नहीं मिलता तब तक तो ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। ये आप लोगों के सामने है और इस तरह की बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस तरह के जुल्म का, इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाती हैं अपनी ज़िंदगी के वो कमज़ोर लम्हे जो होते हैं, जब किसी ऐसे शख्स पर यकीन कर लेती हैं जो शायद कभी यकीन के काबिल नहीं होता, पूरी की पूरी ज़िंदगी अपनी स्पॉइल कर ली एक ऐसे इंसान के लिए जो वाकई यकीन के काबिल नहीं था। उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो इसका मुस्तकबिल है वो बेहतर हो और कोई इसको ऐसा पार्टनर मिल जाए जो इसको वाकई में इज़्ज़त दे सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।